ंग टू लर्न आई पी एड्रेसिंग सो आई पी एड्रेस टू मीन अ लॉजिकल एड्रेस इन अ नेटवर्क लेयर ऑफ द टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल शूट तो टीसी पी आई पी मॉडल में एट अ नेटवर्क लेयर पर हम आई पी एड्रेसिंग की बात करते हैं दैट इज अ लॉजिकल एड्रेस सो हमें रिक्वायर्ड क्यूँ है आई पी एड्रेसिंग एक्चुअली क्या है कि जब हम किसी सोसाइटी में रहते हैं तो वी नीड यूनिक एड्रेस ऑफ ईच पर्सन सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई दैट पर्सन जैसे फॉर एग्जाम्पल इन डेली में अगर सब लोग किसी घर में रह रहे हैं तो सबका एक यूनिक एड्रेस है बट अगर किसी फॉरेस्ट में जो है कोई पर्सन रह रहा है और वो आइसोलेटेड है होल वर्ल्ड से तो ही डजन रिक्वायर्ड एनी एड्रेस तो ऐसे ही अगर कोई एक सिंगल कंप्यूटर है वो इंटरनेट पे कनेक्टेड नहीं है तो उसको आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड नहीं है बट अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उसको आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड है जबकि अगर वो आइसोलेटेड है आप उसको एड्रेस अलॉट कर सकते हो खुद ही एक एड्रेस अलॉट कर सकते हो बट उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बट जब वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो उसको एक यूनिक आईपी एड्रेस अलॉट होगा तो आईपी एड्रेस जो है के टू वर्जनस हैं आईपी वी फोर एंड आईपीवी सिक्स तो आईपीवी फोर इज थर्टी टू बीट का एड्रेस है और आईपी वी सिक्स वन ट्वेंटी एट बीट का एड्रेस है तो आईपी वी फोर जो थर्टी टू बीट का एड्रेस है इट्स मीन जो टोटल बिट्स यूज होंगे वो थर्टी टू बिट्स होंगे उस एड्रेस को डिफाइन करने के लिए तो बिट क्या होता है जैसे जीरो और वन अगर टू बिट का रिप्रेजेंटेशन लिखा जाए तो आप उसको लिख सकते हो या तो जीरो जीरो या वन जीरो या वन वन, वन या वन जीरो सॉरी जीरो वन तो ये फोर पॉसिबिलिटी हैं तो अगर टू बिट्स हैं तो पॉसिबिलिटी कितनी है एड्रेसेस की टू की पावर टू ऐसे अगर थर्टी टू बिट्स हैं तो टोटल कितना ये कॉम्बिनेशन एड्रेस स्पेस हो सकता है टू की पावर थर्टी टू सो टू की पावर थर्टी टू एड्रेसेस जो है जनरेट किए जा सकते हैं आई पी वी फोर में दैट इज इक्विवेलेंट टू आपका ये डिजिट होता है दैट इज फोर पॉइंट टू बिलियन जबकि अगर कंट्री इंडिया की के केवल बात करें तो मोर देन वन बिलियन पॉपुलेशन इज देयर एंड मोस्टली एवरी अगर आपका स्मार्टफोन यूज करते हैं तो केवल इंडिया में ही मोर देन वन बिलियन आपको एड्रेसेस रिक्वायर्ड होते हैं और होल वर्ल्ड पॉपुलेशन इज मोर देन सेवन बिलियन तो हम जो है आईपीवी फोर एड्रेस अलॉट करके सबको हम नेट प्रोवाइड नहीं कर सकते सो दैट इज अ ड्रॉबैक सो आफ्टर सम टाइम द आई पी वी सिक्स हैज कम और इट इज इम्प्लीमेंटेड नाउ तो इसका कितना एड्रेसेस है वन ट्वेंटी एट बिट इट्स मीन टोटल कितने एड्रेसेस इसमें जनरेट हो सकते हैं टू की पावर 128 जो कि टू पावर 32 से बहुत ज्यादा है अब इस एड्रेसेस को हम डिनोट कैसे करते हैं तो नोटेशन क्या है आईपीवी फोर एड्रेस का बाइनरी में लिखें, बाइनरी मतलब जीरो वन में तो एट एट बीट में आप इसको डिवाइड कर सकते हो तो ये फर्स्ट बाइट सेकेंड बाइट थर्ड बाइट और एट बाइट हाँ फोर्थ बाइट तो हर एक बाइट जो है एट बीट का होता है तो इस एट बीट रिप्रेजेंटेशन एट बीट रिप्रेजेंटेशन एट बीट रिप्रेजेंटेशन एट बीट रिप्रेजेंटेशन टोटल थर्टी टू बिट रिप्रेजेंटेशन इसके इक्विवेलेंट डॉटेड डेसिमल में जो है हम इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं इसके इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या होगी वन ट्वेंटी नाइन इसके इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या होगी वन टू वन प्लस वन थ्री और एट इलेवन इलेवन ये भी इलेवन और इसके इक्विवेलेंट अगर आप फाइंड करोगे तो दैट इज टू थर्टी नाइन तो जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसको आप डॉटेड डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो नॉर्मली अगर आप अपने कंप्यूटर में डॉस आप कमांड लाइन पे जाइए और वहां पे आई पी कॉन्फिक टाइप करेंगे तो ऐसे ही आपका आपका रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा डेसिमल फॉर्मेट में तो एक्चुअली एट बिट का इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यूज है आईपी एड्रेसेस जो है क्लासफुल और क्लासलेस एड्रेसेस हो सकते हैं तो डिफरेंस हम इसकी बाद में बात करते हैं पहले अंडरस्टैंड करते हैं क्या होता है क्लासफुल क्लासफुल एड्रेसिंग इन क्लासफुल एड्रेसिंग द एड्रेस स्पेस इज डिवाइडेड इनटू फाइव क्लासेस अगर हम इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हमारा एड्रेसेस कहाँ से स्टार्ट होता है एक तो सारे बिट जीरो हों सारे बिट जीरो हों ठीक है से लेकर के कहां तक सारे बिट वन वन हो ठीक है इसके बीच आपका एड्रेसेस होगा तो हम जो है टोटल एड्रेसेस को फाइव क्लासेस में हमने डिवाइड किया है क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी क्लास ई e. और इनका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से है हम बाकी जो थ्री हैं, उन पे हम जो है केवल एड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं बट क्लासेज के लिए हम फर्स्ट बाइट यूज करते हैं तो फर्स्ट बाइट का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर आपका जीरो से स्टार्ट है दट इज क्लास ए तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होता है जैसे इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है ये है तो अगर ये जीरो से स्टार्ट होता है तो दट इज क्लास ए एड्रेस अगर वो वन जीरो से स्टार्ट हुआ तो वो क्लास बी एड्रेस होगा तो वन जीरो से स्टार्ट होकर के क्लास बी एड्रेसेस आपके डिनोट होंगे तो वन जीरो से स्टार्ट होकर क्लास बी है जीरो से स्टार्ट होकर के बाकी सारे एड्रेसेस क्लास ए है तो इन बिटवीन आपका क्या होगा कि जो एट बिट है तो क्लास ए जो है जीरो एक तो जीरो जीरो होगा फिर क्या होगा यहां से वन स्टार्ट हुआ और ये कब तक होता है जब तक ये यहां से लेकर के वन जीरो तक ना हो जाए तो यहां से यहां तक क्लास ए से क्लास बी तक कि इन बिटवीन जितने एड्रेसेस होंगे वो क्लास ए में आएंगे तो उनकी अगर हम रेंज की बात करें तो इसके इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या है वन क्यों टू की पावर जीरो टू की पावर वन से लेकर टू पावर सेवन विच इज इक्वल टू टू पावर सेवन तो क्लास ए की रेंज डेसिमल में क्या होगी जीरो से स्टार्ट होकर के वन ट्वेंटी एट से लेस मतलब जीरो टू वन ट्वेंटी सेवन अगर फर्स्ट बाइट जीरो टू वन ट्वेंटी सेवन के बीच में है तो दैट इज क्लास ए एड्रेस फिर क्लास सी एड्रेस को क्या हुआ एक और वन आप एक, एक्स्ट्रा इंक्रीज कर दो ठीक है हम एक वन वन केवल इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ जीरो था फिर एक इसके लेफ्ट में एक वन इंक्रीज कर दिया वन जीरो हो गया फिर इसके लेफ्ट में एक वन इंक्रीज किया तो वन वन जीरो हो गया तो वन वन जीरो अगर हम देखें क्लास सी में सो वन वन जीरो विच इज इक्वल टू ये वन ट्वेंटी एट है और प्लस सिक्सटी फोर वन ट्वेंटी एट प्लस सिक्सटी फोर विच इज इक्वल टू वन नाइन्टी टू दिस मीन क्लास सी स्टार्ट होता है 192 से तो 192 से पहले क्या है 191 तो 128 से लेके 191 फर्स्ट बाइट की अगर एड्रेसिंग 128 से लेके 191 डेसिमल में रहती है तो दैट इज क्लास बी एड्रेस अब क्लास डी क्या होगा एक और वन इंक्रीज करेंगे 11 10 ठीक है तो 1110 में आपका क्या हो जाएगा वन वन जीरो विच इज इक्वल टू वन ट्वेंटी एट प्लस सिक्सटी फोर प्लस थर्टी टू ठीक है टू ट्वेंटी फोर सो इट इज टू ट्वेंटी फोर इट्स मीन ये कहां से स्टार्ट है क्लास सी वन टू से लेकर के टू ट्वेंटी फोर से एक लेस ठीक है इट इज टू ट्वेंटी थ्री और क्लास डी और क्लास ई e क्या होगा आपके फोर वन हो उसके बाद जीरो फोर वन उसके बाद फोर जीरो विच इज टू इसमें आप कितना ऐड कर दोगे प्लस सिक्सटीन तो टू फोर्टी टू तो फोर्टी से स्टार्ट होगा तो इसकी रेंज कितनी होगी टू ट्वेंटी फोर से लेकर के टू फोर्टी से एक लेस टू थर्टी नाइन और इसकी रेंज क्या होगी टू फोर्टी से लेकर टू फाइव फाइव क्योंकि सारी जब वन 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 हो जाएंगे दैट इज टू फाइव फाइव तो ये जो है ये रेंज है क्लासेस की और आप देखें क्लास ए किस लिए यूज होती है यूनिकास्ट के लिए क्लास बी भी आपका यूनिकास्ट के लिए यूज है यूनिकास्ट मतलब आप एक नोड से दूसरे नोड पे ही आप डेटा ट्रांसफर करते हो अब मल्टी में एक साथ आप एक से ज्यादा ट्रांसफर करते हो तो क्लास सी भी आप जो है यूनिकास्ट यूज कर सकते हो क्लास जी डी जो एड्रेसेज है वो मल्टीकास्ट के लिए यूज होगा और क्लास ई e एड्रेसेस जो है आपका रिजर्व है फॉर रिसर्च पर्पज ठीक है तो ये क्लासेस हैं फाइव क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस आईपीवी फोर आप एक एग्जाम्पल लेते हैं अगर मान लो एग्जाम में आ गया आपका कि 14.23.120.8 ये कौन सी क्लास का एड्रेस है क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी क्लास ई तो आपका आंसर क्या होगा पहले आप फर्स्ट बाइट को देखेंगे वो कहां लाई कर रहा है 0 टू 127 के बीच में लाई कर रहा है तो इसलिए ये कौन सी क्लास का एड्रेस है क्लास ए का अगर आपका एक एग्जाम में क्वेश्चन है टू फाइव टू फिफ्टी टू डॉट फाइव डॉट फिफ्टीन डॉट किस क्लास का एड्रेस है तो टू फिफ्टी टू फर्स्ट बाइट जो आप चेक करेंगे कि कहाँ लाई कर रहा है वो लाई कर रहा है क्लास ई e में तो इसको ये क्लास ई e का एड्रेस है तो इस तरीके से आप क्लासेस जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं अब इन क्लास एड्रेसेस में जो है हम नेटवर्क आईडी और हॉस्ट आईडी में इसको डिवाइड करते हैं बिकॉज अगर हमें जो है नेटवर्क और हॉस्ट आई जैसे क्लास ए में फर्स्ट जो है फर्स्ट एट बीट आपकी नेटवर्क आईडी होती है रिमेनिंग थ्री आपकी जो है हॉस्ट आईडी होती है फिर इसमें फर्स्ट टू बीट नेटवर्क आईडी फिर रिमेनिंग हॉस्ट आईडी फिर इसमें तीन जो है नेटवर्क आईडी होते हैं एक हॉस्ट आईडी होता है ठीक है तो इस तरीके से हम जो है नेटवर्क आई एंड हॉस्ट आईडी में डिवाइड करते हैं इसका यूजेस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सो दिस इज आई एड्रेसिंग Thank you.